बहुत प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वह आपके आपकी पाठ्य पुस्तक की का पहला पाठ है, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार रहे हैं, इन्हें कहानी जगत में मील का पत्थर माना गया, अर्थात एक कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड जो हम स्थापित करते हैं कि हाँ यहाँ तक हमें पहुँचना है, तो वो एक मुकाम मुंशी जी ने हासिल किया हुआ है कथा साहित्य में। आपने कक्षा छठी से ही इनकी कोई ना कोई कहानी ज़रूर पढ़ी होगी। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह रहती है कि अगर कोई बच्चा या व्यक्ति इनकी कहानी जब पढ़ लेता है या सुन लेता है तो वह उसके मानस पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाती है, क्योंकि वे कहानी कह सकते हैं हमारे सामान्य से जीवन का ही एक भाग होती है। दूसरा, इनकी शब्दावली इतनी सहज और साधारण होती है कि ऐसा लगता है जैसे बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग किया जा रहा है, जिसे हम हमारे ही आसपास की एक कहानी हो। ये कहानियों में के जो पात्र, इनकी कहानियों के जो पात्र होते हैं, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, आप ये देखिए उनके अंदर भी ऐसी मानवीय संवेदनाओं को ये डालते हैं कि ऐसा लगता है वह भी जीवित होते हैं, उनका भी मानवीकरण हो चुका है। आपने कहानी 9th में पढ़ी होगी, कक्षा 9th में पढ़ी होगी, दो बैलों की कथा, आपको बहुत अच्छे से याद होगी किस तरह से बैलों के आपस का संवाद ऐसा लगता है जैसे दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं। याद आ गई कहानी? हाँ, तो यही चीज, यही विशेषता इनकी कहानियों की है, जिस कारण इन्हें एक बहुत ऊंचे पायदान पर स्थापित किया गया है। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व वाले इंसान, आप देखिए कविता या कृति में विशेषता या एक विशिष्ट तभी आता है जब व्यक्ति जितना साधारण होगा उसकी रचनाएं उतनी ही उम्दा होती चली जाएंगी। जिसमें बनावटपन आता है, जिसमें दिखावटीपन आता चला जाता है, उसकी रचनाओं में कोई कह सकते हैं विशेषता नहीं रह जाती। तो चलिए, मैंने आपको बहुत कुछ मुंशी जी के बारे में बता दिया, उनके व्यक्तित्व के बारे में बता दिया। उनके व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीख भी मिलती है कि अगर हमें कुछ हासिल करना है या हमें किसी ऊंचे पायदान पर पहुंचना है तो हमारे व्यक्तित्व में साधारण, हमारे व्यक्तित्व को साधारण होना या सहज होना बहुत आवश्यक है। तो मुंशी प्रेमचंद के आपने देखा होगा कि पुस्तक का पहला पाठ और पहले पाठ की पहली जो एक कोटेशन है, एक जो पंक्ति है, वह है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशु पक्षियों में, पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। प्रेमचंद, जिनका मूल नाम क्या है, धनपत राय, कोर वाले बच्चे जो हैं, आप साधारण तौर पर इनके परिचय को पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इलेक्टिव वाले हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन, आपका जो एग्जाम होता है, आपकी जो परीक्षा होती है, उसमें आपसे कवि या लेखक का परिचय भी पूछा जाता है, जो 5 अंक का आता है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप जब आरंभिक जीवन लिखते हैं या जन्म लिखते हैं तो आप जन्म में इनका जन्म स्थान, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं, मूल नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जब आरंभिक जीवन आता है तो उनकी शिक्षा वगैरह के बारे में आप बता सकते हैं, इस तरीके से आप करेंगे। वो मैं अलग से आपको बता दूंगी जब गूगल मीट या आपकी कक्षा लूंगी तब। तो मूल नाम क्या है, धनपत राय, जन्म है 1880, लहमी गांव उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं मुंशी जी की, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब उनके उपन्यास हैं। सोजे वतन एक ऐसा उपन्यास है जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। क्यों जब्त कर लिया था? क्योंकि कुछ चीजें अंग्रेजी सरकार को ऐसी लगी कि ये उनके विरोध में है, ठीक है। उसके मानसरोवर जो एक
पुस्तक है वो कितने 8 खंडों में है, जिसमें इनकी सारी कहानियां संग्रहित की गई हैं। गुप्तधन कहानी संग्रह है, करबला संग्राम, प्रेम की देवी ये इनके नाटक हैं, कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। एक चीज और बता दूं, मुंशी जी का एक अधूरा उपन्यास भी रहा है, उसका नाम है मंगलसूत्र। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, इतना आप ध्यान से सुने और समझे, बाकी मैं आपको कहानी जब शुरू करेंगे तब बताऊंगी। और दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा बच्चे कि कहानी मैं जब आपको ये वीडियो जिसकी दूंगी तो एक कहानी को कहानी के ही फॉर्म में आपको समझाऊंगी, पाठ पढ़ते हुए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कहानी को कहानी की तरह से अगर सुने या समझे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे दिमाग पर वह बैठ बैठ बनाती है अपनी। ठीक है,